जनरल टिकट बुक करनी है यूपीएस से, ये देख सकते हैं आप अगर दिखे तो थोड़ा बहुत। तो फाइनली एक बहुत ही अलग तरीके से जो जर्नी है वो शुरू हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, भाई बाइक चला रहा है, बहुत तेज बाइक चलानी पड़ रही है क्योंकि हमें पूरा यकीन है ट्रेन छूट सकती है, लेकिन पूरा यकीन ये भी है कि ट्रेन पकड़ भी सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है अभी आगे चल के। वैसे हमें ट्रेन जो है मुरादाबाद से पकड़नी थी, लेकिन मुरादाबाद से उसके छूटने का टाइम हो गया है, तो हम ट्रेन अगले उसके स्टॉपेज से पकड़ेंगे। बिल्कुल सही बात, हम उसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे पहुंच रहे हैं। तो अब हम पहुंचते हैं जल्दी से नेक्स्ट स्टॉप पर। तो आज की जो जर्नी है वो यहाँ से शुरू होगी। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, एक बहुत छोटा स्टेशन है, आउटर स्टेशन है, यहाँ काम चल रहा है और यहाँ पे लोग इंतज़ार में हैं, आप देख रहे होंगे ये सब एक ही ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, यही ट्रेन हमारी आ रही है। और भी इसके बाद में दो तीन ट्रेनें हैं जो काशीपुर के लिए जाएगी। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं कटघर रेलवे स्टेशन पर। कटघर रेलवे स्टेशन मैंने बहुत कम अपनी वीडियो में दिखाया है क्योंकि कभी मौका ऐसा मिला ही नहीं। कटघर रेलवे स्टेशन वैसे देखा जाए तो बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर आप पीछे बोर्ड देख रहे होंगे कटघर का, और पीछे आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि जो पुल है वो है, और ये राम गंगा नदी के ऊपर बना एक ब्रिज है, काफ़ी लंबा ब्रिज है, लगभग 800 मीटर लंबा है। तो काफ़ी लंबा ब्रिज है क्योंकि नदी भी बहुत चौड़ी है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है जब ये ब्रिज क्रॉस होता है ट्रेन के माध्यम से। आई थिंक मैं दूसरी बार ट्रैवल कर रहा हूँ इधर जब ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ उस समय पर, क्योंकि मैंने जब रामनगर वाली वीडियो बनाई थी तब उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कटघर को और साथ में इस ब्रिज को। लेकिन अभी हम चलेंगे बरेली की तरफ। वैसे मेरा जो प्लान था बरेली जाने का वो बाया चंदौसी था, लेकिन चूंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी तो इस वजह से बिल्कुल उठा ही नहीं गया और ठंड की वजह से मन भी नहीं करा। लेकिन फिलहाल अभी हम इस सेक्शन से जाएंगे और आपको मैं इस सेक्शन की पूरी कवरेज दूंगा, तो ये वीडियो हो सकता है आपको दो पार्ट में देखने को मिले, तो रेडी रहना दो पार्ट के लिए। फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और जर्नी को भी। तो मैं पहली बार एक छोटे रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन को पकड़ रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पूरी ट्रेन खाली है हमेशा की तरह। क्रॉस कर रहे हैं रामगंगा ब्रिज को, तो बिल्कुल एकदम नेचुरल साउंड यूज कीजिए, यहाँ पे मैं कोई भी म्यूजिक नहीं डालूंगा।
और इसी के साथ अभी हमने सिर्फ ब्रिज क्रॉस किया है और हम रुक चुके हैं कटघर जंक्शन पर। और भैया भी देखिए आराम से, बिल्कुल नो लोड, कोई लोड नहीं है हमें, क्योंकि बात ऐसी है कि हमारे पीछे आ रही है जन साधारण एक्सप्रेस ट्रेन जो कि चलती है आनंद विहार से दानापुर के बीच में, और श्रमजीवी को ओवरटेक इसने पहले ही दे दिया था मुरादाबाद जंक्शन पर। तो अभी हम यहाँ पे ओवरटेक देने वाले हैं दानापुर को, जहां तक मुझे पूरा यकीन है, बाकी जैसा भी होगा अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ। फिलहाल पीछे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है सिस्टम। की बात यह है कि ट्रेन फिर से चल गई है, हमें लगा था ओवरटेक होगा, क्योंकि देखिए आप अब ये है हमारा वो पॉइंट जहां से हम अलग हो जाएंगे एक नए ट्रैक की ओर, यानी कि अब हम चल रहे हैं लखनऊ वाले ट्रैक पर। ट्रेन का कर्व आप देख रहे होंगे, अगर हम मुड़ जाते लेफ्ट में तो हम पहुंच जाते रामनगर की तरफ, यानी कि हमारी डिवीजन बदल जाती। बस गोट रेलवे स्टेशन आते ही हम पहुंच जाते नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, लेकिन अभी हम चलेंगे नॉर्दर्न रेलवे में और मुरादाबाद डिवीजन में। तो ये भी जर्नी मुरादाबाद टू मुरादाबाद डिवीजन ही रहेगी, लेकिन जर्नी बहुत लंबी है, देखते हैं कि आज कितनी ट्रेनों को ओवरटेक करने का मौका मिलेगा। प्लेटफॉर्म तो काफी अच्छा बनाया है यार दलपतपुर का, और अभी हम जा रहे हैं और पीछे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था पीछे की तरफ बढ़ ही रहे हम। हमारा मकसद है किसी से मिलना, किसी को ढूंढना, तो उसी की तलाश में हैं हम। और ये देखिए बताओ। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं दलपतपुर रेलवे स्टेशन पर। ये एक बहुत छोटा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही मिलती है और ये मुरादाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बड़ी बात यह है कि यहाँ से सिर्फ दो ट्रेन है, लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर अप डाउन, और इसी तरीके से एक हमारी ट्रेन चलती है वहाँ जाती है काठगोदाम मुरादाबाद से, जो जाती है बाया रामपुर, एक वो ट्रेन है। तो बस दो ही ट्रेन है जो यहाँ पे स्टॉप करती है, बाकी कोई भी रूट पर ट्रेन नहीं है। तो ये एक दुख की बात है कि बहुत कम पैसेंजर ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलती है। फिलहाल यहाँ पे हमें ओवरटेक करने वाली है 13258 जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन, तो उसी का जो इंतजार है वो हो रहा है और वो निकल चुकी है कटघर राइट बैंक से, तो देखते हैं उसकी जो स्पीड है वो कितनी रहती है। तो डिपार्चर हो रहा है हमारा दलपतपुर से, जिसका स्टेशन कोड है DLP, और नेक्स्ट स्टेशन है हमारा मोडा पांडे। और जैसा कि आप सिग्नल पे देख पा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, यानी कि अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप मोडा पांडे आने वाला है। और इसी के साथ हम आ चुके हैं मुंडा पांडे रेलवे स्टेशन पर, और इसके आगे हम पहुंचेंगे रामपुर जंक्शन पर। तो मुरादाबाद जंक्शन के बाद में जो नेक्स्ट जंक्शन है वो हमारा रामपुर जंक्शन, ये बीच में कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है। और इस रेलवे स्टेशन पर भी ऑनली ऑन जो पैसेंजर ट्रेन है वही रुकती है, आपको मैं दिखा दूं मुंडा पांडे लिखा हुआ, तो नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और अभी हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं कोसी रिवर पर। कोसी रिवर का जो ब्रिज है वो काफ़ी लंबा नहीं है, उसके जो है तो पूरे 10 स्पैन, लेकिन है छोटे। और यहाँ पर कॉशन दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पर राज्य रानी डिले हो गई, तो इस वजह से ट्रेन की स्पीड भी कम हो रही है। और कोसी रिवर का ब्रिज आने वाला है तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। सामने से WDG 4 आ रहा है एक गुड्स ट्रेन के अंदर। तो दो ट्रेनें एक साथ ब्रिज पर। देख रहे हैं लेफ्ट में यहाँ पर रामपुर के नवाब की ट्रेन खड़ी है, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है वो ट्रेन के दो ही कोच और हम आ चुके हैं रामपुर जंक्शन पर। और मजे की बात भाई, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन हमें मिल गई है यहाँ पर। अभी चुकी है जा रही है नई दिल्ली, तो इसका नंबर है 12039 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है और हम जाए हैं 2 नंबर पे। तो इसी के साथ हमने डिपार्चर ले लिया है रामपुर जंक्शन से। रामपुर जंक्शन के बारे में कुछ बता नहीं पाया क्योंकि बहुत ही बस 1 मिनट भी नहीं रुकी यहाँ पे ट्रेन। तो मैं अब आपको बता देता हूँ रामपुर के बारे में। रामपुर जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर अच्छी बात बस ये कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलती है, तो ये एक अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, ये जंक्शन है तो जंक्शन क्यों बनता है, यहाँ से जाती है काठ गोदाम के लिए लाइन जो कि जाती है बिलासपुर के रास्ते, बिलासपुर रुद्रपुर होते हुए, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। और रामपुर से आपको सभी तरह की जो ट्रेनें हैं बस छोड़कर राजधानी को जो इस रूट पर चलती हैं वो आपको देखने को मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हमारी ट्रेन ने भी काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ ली है। तो हम पहुंच चुके हैं सहजान नगर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर टोटल मिला के 4 ट्रैक हैं, आप देख सकते हैं। ये 2 मेन लाइन है और इधर प्लेटफॉर्म लाइन है और एक लाइन जिस पर अभी हम आए हैं। तो टोटल मिला के 4 ट्रैक है, तो यहाँ पर ट्रेनों को ओवरटेक बहुत आराम से दिया जा सकता है। अभी देखते हैं सप्त क्रांति कितनी देर में आती है, उसका इंतजार है मुझे। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको शॉकेट की काम कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे पास है चार्जर। तो अभी चेक करते हैं कि भाई जो शॉकेट है वो काम करता है नहीं करता। तो देखिए स्विच ऑन है और भैया जरा इसे लगाना चार्जर को। तो कोई भी चार्जिंग शो नहीं हो रही है, तो आप समझ सकते हैं वैसे इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सही भी मिल जाता है। धमोरा है ना, वो ये धमोरा है। सही बात। और धमोरा का जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा ऊंचा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा अभी मुझे देख के दूर से। तो पास से देखते हैं कैसा है धमोरा रेलवे स्टेशन, समुद्र तल से ऊंचाई 183। इसी के साथ पहुंच चुके हैं धमोरा रेलवे स्टेशन पर। रेड सिग्नल है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक रेड है जब तक मज़ा है, प्लेटफॉर्म पे घूमो मज़े लो, यही तो मज़ा है पैसेंजर ट्रेन का।
हर स्टेशन पे रुको, हर स्टेशन का एंजॉयमेंट लो, और क्या चाहिए। और मौसी जी एंड मम्मी जी और भैया जी, और मम्मी जी ओवरटेक करते हुए आई है ट्रेन को ही, और चढ़ चुकी हैं हमारे कोच। तो धमोरा रेलवे स्टेशन पर टोटल मिला के 5 ट्रैक है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरटेक मिलता है ट्रेन को। तो डिपार्चर हो रहा है, मैं आपको डिपार्चर की वीडियो दिखाता हूँ। हम पहुंच चुके हैं दुगनपुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है यार, ये सच में बहुत नीचा है, तो पैसेंजर्स को मुझे पूरा यकीन है काफ़ी मशक्कत करनी होती होगी ट्रेन पे चढ़ने के लिए, क्योंकि ट्रेन काफ़ी ऊंची होती है। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं मिलक रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर भी टोटल मिला के बस 4 ही लाइन है, यानी कि 2 लूप लाइन और 2 मेन लाइन, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप मिलता है। अभी तक आपने देखा सिर्फ रामपुर ही एक जंक्शन था जहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन मिलती है, सुपरफास्ट मिलती है, और यहाँ से कोई भी सुपरफास्ट तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलती है। तो यहाँ के लोगों ने मतलब करा ही लिया स्टॉप कैसे ना कैसे, और काफ़ी अच्छा खासा फुटफॉल रहता है पैसेंजर्स का, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप रहता है। इसी के साथ इस जर्नी में रात भी हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी जर्नी हो गई। भैया दिन में चले गए और रात हो गई है, सादात रेलवे स्टेशन पर। और सप्त क्रांति भी काफी तेज चल रही है, शहजाद नगर से निकल चुकी है, देखते हैं कहां पर ओवरटेक करती है। मुझे लगता है परसाखेड़ा या कलेक्टर बगंज, उनमें से किसी एक जगह पर ओवरटेक करेगी, मजा आएगा, क्योंकि जन साधारण का ओवरटेक भी काफी मजेदार था, बहुत तेजी से करा। और सप्त क्रांति की हम ये पूरी किस्मत कहेंगे कि उसे एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ेगा, बहुत भर के आई है ये, हमेशा ऐसी आया। और इसी के साथ लगभग 25 मिनट रुकने के बाद में हमने जो डिपार्चर है वो धनीटा से ले लिया है। बस अब 3 स्टेशन बचे हैं, जिसमें हमारा पिटोरा, फिर है हमारा कलेक्टर बगंज, और मतलब पदसा के नाम, और फिर कलेक्टर बगंज, इसे सीधीगंज के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल ये 3 स्टॉप आएंगे, अंधेरा हो चुका है तो उन्हें कवर नहीं करूँगा, डायरेक्ट बोलता हूँ मुझे आपसे बनी जरूर। We'll be right back.
अराइवल कैप्चर करते हैं पूरा। अब करिए ट्रेन बिल्कुल स्लो, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन दे रखा था 10 किलोमीटर पर आवर का, वो अब फॉलो किया गया। हाँ जाएगी तो बहुत आगे, दिक्कत तो ये और देख कितनी हल्की आ रही है। हवा हमारा जो बोलो पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन पर, और जो सहारनपुर पैसेंजर है वो बराबर में ही है और चल चुकी है, तो लोग बार भाग भाग के पकड़ रहे हैं उसे। तो ओवरऑल जर्नी का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, काफ़ी अच्छा रहा। और बरेली जंक्शन पर हूँ मैं, तो बरेली जंक्शन की बात करें तो ये एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाइनें जाती हैं इधर उधर, और जंक्शन है अपने आप में काफ़ी बड़ा जंक्शन है। मुंबई वगैरह सबसे कितनी ट्रेनें मिलती है। BE इसका स्टेशन कोड है, ये ओपन किया गया था 1964 में और इसे इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 2013 यानी कि 2013 में, तो वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ही रखता है। और A1 ग्रेड का ये रेलवे स्टेशन है, तो आप समझ सकते हैं मुरादाबाद डिवीज़न में A1 ग्रेड का ये एक रेलवे स्टेशन है। बाकी आपसे एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि बरेली आऊँगा तो इन्फॉर्म करूँगा, लेकिन कोई भी प्लान नहीं था, एकदम सडन प्लान बना है और आप देख रहे होंगे बिल्कुल रात हो चुकी है, तो आप लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इतनी रात में बिल्कुल भी ठीक नहीं है कुछ भी करना। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो डेफिनेटली आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि मुझे खुद मिलना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सभी लोगों से मिलके। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जिस ट्रेन से हम आए थे वो ट्रेन थी हमारी 54251, जिसने टोटल मिला के, अगर ये जब पूरा रन करती है सहारनपुर से लखनऊ तक, तो टोटल मिला के 72 हॉल्स है उसके साथ, 72 जगह पर रुकती है और 26 की एवरेज यानी 26 किलोमीटर पर आवर की जो एवरेज स्पीड होती है वो चलती है। तो ओवरऑल ठीक है पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से। फिलहाल आज WAP4 आया था तो जो पिकअप था वो थोड़ा सा कम था, लेकिन इस जर्नी में इतना ही। नेक्स्ट जर्नी आएगी और वह आएगी बाया चंदौसी, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट मिल सके। तब तक के लिए चैनल से जुड़ने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब यकीन है आप कर देंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। उससे पहले गंगा सतलज एक्सप्रेस आ चुकी है, तो देखते हैं अब रिटर्न किससे होते हैं।